टेढ़े-मेढ़े दांत या फिर जिन दांतों में गैप होता है, अगर उसे समय रहते ठीक कर लिया जाए तो फिर आगे भविष्य में समस्याएं नहीं होती। लेकिन लोग लापरवाह हो जाते हैं और इन पर ध्यान नहीं देते, और ध्यान तब जाता है जब वो कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या फिर करने वाले होते हैं, तब ध्यान में आता है कि ऐसा तो नहीं कि उस जिस जॉब में हम अप्लाई कर रहे हैं उसमें मेडिकल होगा और उसमें कहीं हम डिसक्वालीफाई ना हो जाए। ये डर फिर ट्रीटमेंट की तरफ लेकर जाता है। लेकिन अगर हम शुरू में ही इसका ध्यान रखें तो शायद हमें ये आगे की चिंता ना हो। तो आज हम इस वीडियो में इसी पर डिस्कस करेंगे कि ये प्रोसीजर हमें कब कराना चाहिए, जिससे कि हमारे जो टेढ़े मेढ़े दांतों की समस्या है वो समय पर ठीक हो जाए, या फिर अगर हमारे दांतों में गैप है तो उसको हमें कब कराना चाहिए। अगर इन प्रोसीजर को हम कराते हैं, इसको हम ठीक कराते हैं, तो इसमें कितना समय लगेगा, चाहे वो टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करना हो या फिर अंदर गए हुए दांतों को बाहर लेकर आना हो, या बाहर गए हुए दांतों को अंदर लेकर जाना हो, या फिर दो दांतों के बीच में जो गैप आ जाता है ज़्यादा सा, उसको ख़त्म करना हो, तो इसमें कितना समय लगेगा, आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जब आप ये वीडियो देखते हैं तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि आपके फीडबैक हमारे चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके दो तरीके हैं, एक तो आप इस वीडियो को लाइक करके भी अपना फीडबैक दे सकते हैं, साथ ही साथ नीचे कमेंट ऑप्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर देखते हैं, आपको वीडियो पसंद है, तो आप ये जो लाल कलर का बटन है इसे दबा कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आप अपडेट रहें यहाँ के वीडियोज़ से। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि इसको कब और कब कराना चाहिए इस प्रोसीजर को, और इसमें कितना समय लगेगा। व्यूअर्स, अगर इसके दांतों में प्रोसीजर की हम बात करें तो ये इसका जो एक सही समय होता है वो 12 साल से लेकर 18 साल के बीच माना जाता है। और इस दौरान अगर आप ये प्रोसीजर कराते हैं तो जो रिजल्ट्स होंगे वो आपको बहुत अच्छे और जल्दी मिलेंगे। कहने को तो ये भी कहा जाता है कि इस एज के बाद भी आप इस प्रोसीजर को करा सकते हैं, लेकिन उसके बाद समय ज़्यादा लगता है, और जितना एज्यूम किया जाता है रिज़ल्ट, उतना रिज़ल्ट आए या ना आए ये फिर टाइम पर डिपेंड करता है। तो इसलिए अगर किसी का भी हमारे फैमिली में कभी भी इस तरीके की समस्या है जिसमें टेढ़े मेढ़े दांत या आगे पीछे दांत हैं और उनको हम सीधा कराना चाहते हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर बंदे की उम्र 12 से लेकर 18 साल है तो उस एज में अगर हम इस प्रोसीजर को कराएँ तो ये फिर हमें इसमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर हम इसमें समय सीमा की बात करें कि इसमें कितना समय लगेगा, तो समय वैसे तो जो एक माना जाता है वो 1 साल से 1.5 साल का समय लगता है, लेकिन ये जो 1 साल से 1.5 साल का मैं समय बता रहा हूँ ये भी पेशेंट टू पेशेंट वरी करता है। इसमें ये वरी इसलिए करता है कि मान लीजिए किसी को बहुत कम समस्या है, किसी के बहुत कम टेढ़े मेढ़े दांत हैं, तो उसमें कम समय लगेगा उनको सीधा करने के लिए, और अगर किसी के ज़्यादा टेढ़े दांत हैं तो उसमें उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। इसी तरीके से जो गैप होता है दांतों में, दो दांतों में अगर गैप है तो उस गैप को भी ठीक करने के लिए अगर थोड़ा सा गैप है तो कम समय में ठीक हो जाएगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा समय, लेकिन एक एग्रीगेट अगर माने तो 1 साल का समय लग जाता है और 1 से 1.5 साल का भी समय लग सकता है। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा इसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं, एक तो एज आपकी कितनी है, अगर कम एज है तो रिज़ल्ट जल्दी और अच्छे आएंगे, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो रिज़ल्ट कम और देर से आएंगे, साथ ही साथ अगर आपकी प्रॉब्लम कम है तो भी रिज़ल्ट आपको जल्दी मिलेंगे, और प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है तो फिर रिज़ल्ट आपको देर से मिलेंगे। तो ये डिपेंड कहीं ना कहीं आप पर भी करता है, इसलिए ये कहना कि एकदम फ्रेम्ड कर देना यहाँ पर कि नहीं जी 1 ही साल लगेगा इसमें, नहीं जी 1.5 साल ही लगेगा, तो ऐसा तो नहीं है, इसमें डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। तो इसलिए आपने मुझसे ये जो सवाल पूछा था कि हमें अगर हम प्रोसीजर कराएँगे या फिर अगर हमारे टेढ़े मेढ़े दांत है तो उसमें कितना समय लगता है, तो आई थिंक सो कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी कि इसमें जो समय है वो डिपेंड करता है पेशेंट पर और उसकी समस्या पर। तो ऑलमोस्ट समय हम 1 साल का इसमें मान सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।